मुगिली से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी शीलू साहू और उनके समर्थकों ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी के समर्थक प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन पर पंचायत चुनाव में गोपनीयता भंग करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी मतपत्र में सीरियल नंबर अंकित किए जाने का विरोध कर रही है और चुनाव निरस्त करने की भी मांग की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ रोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। रोहित, यहां पर आकर क्या पूरा मामला है? सीरियल नंबर मतपत्रों के जारी कर दिए गए, गोपनीयता भंग करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है? किस वजह से ये सभी कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं? देखिए, बता दूं कि आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। इस दौरान सभी जिला पंचायत सदस्यों ने वोटिंग की और इस दौरान कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी लेखनी चंद्राकर जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जिसके बाद बाहर निकल कर भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने भाजपाइयों को ये कहकर आरोप लगाया सबसे पहले कि मत पत्र पर सीरियल नंबर दर्ज कर दिया गया है, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हुई है। इसके बाद फिर भाजपा समर्थित प्रत्याशी और बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, वहां घंटों भर प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किया, लिखित में जिला उप निर्वाचन अधिकारियों को शिकायत की, जिसके बाद अधिकारी ने इस शिकायत को नकार दिया और विधि का हवाला देते हुए कहा कि जो भी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत नियम अपनानी थी उस नियम का फॉलो किया गया है, कहीं पास कोई भी गोपनीयता भंग नहीं किया गया है। इससे नाराज भाजपा समर्थित प्रत्याशी और भाजपाई कलेक्ट्रेट के सामने में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और इसके अलावा भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने उपाध्यक्ष चुनाव बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी संजीव बनर्जी उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका रोहित। स्वराज शतक में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।